गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिक्स का थर्ड पार्ट, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। इसमें फार्मूला लगेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन। जब प्लस है तो माइनस यूज होता है और जब माइनस है तो प्लस यूज होता है। तो आज हम जो कर रहे हैं कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। एक्स की जगह 4/5 और वाई की जगह 12/13। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई मतलब 4/5 इंटू 12/13 माइनस, प्लस में माइनस आएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। तो 4 × 12 = 48, 5 × 13 = 65। और इसको सिंप्लीफाई किया, 48/65, 15/65, आंसर आ गया 33/65। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक दिया हुआ है साइन इनवर्स 12/13, एक दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 और एक दिया हुआ है 10 inverse 63/16 = 5। एक साइन में है, एक कॉस में है और एक टेन में। मैं पहले साइन को भी टेन में कन्वर्ट कर दूंगा, दूसरे कॉस को भी टेन में कन्वर्ट कर दूंगा, तीनों को मैं टेन में ले आऊंगा। तो साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी तरह साइन इनवर्स की जगह लिख दिया टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 12/13 प्लस टेन इनवर्स, ये वाला फार्मूला कॉस में, रूट वन माइनस 16/25 अपॉन 4/5 प्लस 10 inverse 63/16। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 10 inverse 12/13 × 13/5, 10 inverse 3/5 × 5/4 प्लस 10 inverse 63/65। तो पहला तीनों के तीनों 10 में कन्वर्ट हो गए। पहला आया 10 inverse 12/5, 10 inverse 3/4 प्लस 10 inverse 63। पहले दो में मैं फार्मूला लगाऊंगा, याद है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला होता था? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला तब लगता था जब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई वन से कम होता था, लेकिन अब एक्स का मल्टी, एक्स की वैल्यू 12/5 और वाई की वैल्यू 3/4, कितना बना? 36/20। ये क्या है? ग्रेटर देन वन। लेकिन ये लेस देन वन में फार्मूला यूज होता था, ग्रेटर देन वन में पाई ऐड करना पड़ेगा, बाकी सेम है फार्मूला। इसलिए टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4 पाई प्लस, बाकी सेम फार्मूला। ये याद नहीं रखते स्टूडेंट्स तभी गड़बड़ होती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर वन से कम है तो पाई नहीं आएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई वन से ज़्यादा है तो पाई आएगा, बाकी सेम फार्मूला। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स 63/16, पाई प्लस टेन इनवर्स, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया माइनस 63/16 आ गया, टेन इनवर्स 63/16। टेन इनवर्स में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये दोनों सेम हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई। इसी का जो फिफ्थ पार्ट है, एक साइन इनवर्स 5/13 है, एक कॉस इनवर्स 3/5 है, आंसर 10 inverse 63/16। बिल्कुल सेम उसी तरह साइन इनवर्स को 10 में चेंज कर दो, कॉस इनवर्स को 10 में चेंज कर दो, फिर 10 inverse x प्लस 10 inverse y का फॉर्मूला। ये अपने आप को ट्राई करना। थैंक यू।